हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सभी लोग नए शिक्षा आयोग बनने के बाद से जितने भी बीएड डीएड अभ्यर्थी हैं वो एक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, फिर वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, ठीक है। बट ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव से पहले आयोग का अचानक से बन जाना, न्यूज़पेपर में इतनी सारी चीज़ें निकलना, बैठक होना, और अब अचानक से जो नया आयोग है वो सुस्त कैसे पड़ गया है। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल तक इंतजार किया है और ये 2024 लोकसभा चुनाव एक तरीके की उम्मीद थी सभी बीएड डीएलएड जितने भी लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि चलो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही कम से कम वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो सच्चाई देख लीजिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सिलेक्शन नवरात्रि सेल चल रहा है 7 से 9 अप्रैल के बीच में, और ईयरली पास पे चल रहा है। ईयरली पास आपको पड़ेगा 307 का, बट यहाँ पर केवल मॉक टेस्ट मिलता है, और ईयरली पास प्रो पड़ेगा 378 का। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमको सस्ते में पड़ जाए, तो ये जीकेसी कोड दिख रहा है ना, जब भी आप परचेज करने जाना तो कूपन कोड में जीकेसी लिख दीजिएगा, इसका आपको फायदा होगा। डिटेल सारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज है कि टेस्ट बुक पे जो भी आप ये लेते हैं ना ईयरली पास, एक साल के लिए आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो चेकआउट जरूर करें कि इतनी सीटें खाली होने के बावजूद भी आखिर में आयोग इतना सुस्त कैसे है। बाकी के जितने भी भाग हैं उन सबके काम इतने अच्छे से चल रहे हैं। बिहार में पेपर कराना हुआ तो बीपीएससी बना और एक महीने के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो आखिर में यूपी में ऐसा क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। हर दिन एक एक जो है जिले से, आपको पता ही है, पहले लखनऊ के बारे में निकला था कि 89 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कोई शिक्षक नहीं है, अब ये हरदोई का है, ठीक है। अब 75 जिले हैं यूपी में, आपको पता है सबसे बड़ा कहा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग यूपी में ही रहते हैं, उसके बावजूद भी 75 जिले हैं, ठीक है। 75 जिलों का तो एक एक दिन करके धीरे धीरे निकलेगा ही, गोरखपुर का निकला, फिर हमारा लखनऊ का निकला, और अभी आप देख सकते हैं हरदोई का परिषदीय विद्यालय का नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। लेकिन जनपद में ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है, तो ये स्कूल कैसे चल रहे हैं? क्या ये जो स्कूल्स का निरीक्षण होता है, जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं, आपको पता ही होगा, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं या ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर नहीं है? फिर बार बार शिक्षा मंत्री का बयान आता है अनुपात समानुपात, क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं? जहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, वहाँ पर बच्चे ऐसे खाली बैठे रहते हैं फिर घर चले आते हैं। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ एक ही अध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की तैनाती है। अब आप मुझे बताओ, एक 6, 7, 8 का मान लीजिए, या 1 से लेकर 5 तक का स्कूल है, एक टीचर के कितने लोगों को पढ़ाएगा? बाकी की भी चीज़ें करनी होती हैं पढ़ाने से ज़्यादा। जनपद में कुल 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें से कुल 2,419 प्राथमिक विद्यालय हैं, 628 जूनियर और हाई स्कूल, और 407 जो है संविलियन विद्यालय है। संविलियन विद्यालय उन विद्यालयों को कहते हैं जहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को आपस में मिला दिया गया है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप ये नंबर देख सकते हैं, ये नंबर हमेशा और भी आगे आपको देखने को मिलेगा। जनपद में 44 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। देखिए, 44 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें ना तो कोई सहायक अध्यापक है ना ही कोई प्रधानाध्यापक है। प्रमोशन भी तो नहीं हो रहा है ना, ये भी तो देखिए, बहुत सारे 1 to 5 के ऐसे टीचर्स हैं जिनका प्रमोशन ही नहीं हुआ है। अब बिना शिक्षकों के विद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही होगी, इसका अंदाजा सहजता से लग सकता है। इसी तरह 291 परिषदीय विद्यालयों में एक एक शिक्षक की तैनाती है। देखिए, 44 में तो कोई है ही नहीं, बाकी के जो बच्चे उस स्कूल है उसमें केवल एक टीचर है, तो क्या टीचर की जरूरत नहीं है? इतने सारे बीएड डीएलएड अभ्यर्थी जो कि यूपी टेट सी टेट पास करके बैठे हुए हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए बच्चों का भविष्य बनाने के लिए? बट नहीं, इनको ना तो कोई शिक्षक भर्ती करनी है, बस इनको बीएड और डीएलएड की डिग्री कंप्लीट करवानी है, कोई शिक्षक नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, केस 1 प्राथमिक विद्यालय भैंसरी में 69 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है। उन बच्चों के भविष्य के साथ भी तो अब सबको ही, तो सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते हैं ना, उनकी फीस भी तो ज़्यादा होती है, एक भी शिक्षक नहीं है। बच्चे केवल स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, और मिड डे मील, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मिड डे मील के लिए ही आते हैं, फैमिली भी सोचती है कि चलो खाना वाना खाकर ही आ जाएंगे, बट इनका भविष्य भी तो खराब हो रहा है, मिड डे मील खाते हैं चले आते हैं। दूसरा केस है, ये तो प्राथमिक विद्यालय के मैंने आपको बताया है, और ये 6 to 8 का हाल देखिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय तेलियानी में 46 विद्यार्थी हैं केवल, बच्चों की संख्या भी कम हो रही है, बहुत सारे लोग पढ़ने ही नहीं आते हैं, घर में रहते हैं। इस विद्यालय में कोई भी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक नहीं है, यहां पर भी बच्चे आते हैं और बस खाते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं।
यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती शासन स्तर से होती है, ठीक है। स्कूलों में ताला ना पड़े इसलिए संबंधित विद्यालयों के पास स्थित दूसरे विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाकर विद्यालयों का संचालन कराया जा रहा है। अच्छा, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि ताला पड़ जाए तो क्या करते हैं लोग, ये दूसरे स्कूल के जो टीचर होते हैं ना बेचारे, एक वहां पे हैं, एक या दो होंगे, उनको भेज कर यहाँ पे ड्यूटी बस ऐसे ही संचालन की, जाओ देखाओ स्कूल का हाल चल, नहीं तो ताला लग जाएगा। तो ये हाल चल रहा है और ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, 44 प्रसिद्ध विद्यालयों में कोई भी शिक्षक नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तेलियाने में ये बैठे विद्यार्थी आपको दिख सकते हैं। ये देखिए ये क्या पढ़ाई होगी। और यहां पर देखिए हमारा आयोग, स्टार्टिंग में तो इतनी ऐसा लगा कि भाई लग रहा भर्ती हो ही जाएगी, और अब एकदम ठप हो चुका है। जिसका फॉर्म भराया जा चुका है 2022 में, कम से कम उसका तो एग्जाम करा लो। वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड, और भी एडमिट कार्ड हो गया, या फिर सोचते होंगे कि अब हो जाए पेपर। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल नहीं, एकदम सुस्त पड़ चुका है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले जो यूपी का जो आयोग है इसमें 12 सदस्यों की तैनाती हुई, ठीक है। फिर उसको क्या किया गया, सक्रिय कर दिया गया कि चलो ठीक है चुनाव का समय है तो हम इसको इसको यूटिलाइज करेंगे। सभी सदस्यों ने मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। अब ये लोग कर क्या रहे होंगे, मैं तो यही सोच रही हूँ, इनकी तो नियुक्ति हो चुकी है बट कोई काम चल नहीं रहा है। इसके गठन के बाद आयोग की वेबसाइट बनने का काम होना था, क्योंकि आपको पता ना कि सारी चीजें ऑनलाइन होगी, बट वेबसाइट ही नहीं बना। ये देखिए इसलिए अब तक पहल भी नहीं की गई है, वेबसाइट बनाने का कोई काम नहीं चला। आयोग के सभी काम ऑनलाइन होने हैं बट इनकी वेबसाइट ही नहीं बनी है। नए आयोग के गठन के साथ ही जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड है, इसकी भी जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए इसकी भी जो वेबसाइट है, आवेदन लेने के बाद आगे की प्रक्रिया ठप है। मतलब आवेदन ले लिया गया बट आगे की प्रक्रिया सब ठप है, क्योंकि आपको पता ही कि सब कुछ नए आयोग से ही इनकी भर्तियां होंगी बट नया आयोग का कोई वेबसाइट ही नहीं है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग गठन होने के बाद से लंबित भर्तियों पर काम शुरू करेगा, मतलब टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट वाला, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। भर्ती से जुड़ी सूचनाएं हैं वो वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। अध्यक्ष का चयन ना होने पर इन्होंने, आपको पता है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया कि चलो इन्हीं के सहारे काम होगा। पिछले दिनों उच्च शिक्षा के विशेष सचिव ने आयोग परिसर में सदस्यों के साथ बैठक भी की थी, तब आश्वासन दिया गया था कि सचिव हो गए, परीक्षा नियंत्रक हो गए, उप सचिव हो गए, वित्त नियंत्रक हो गए, इन आदि पदों पर अफसरों की तैनाती होगी, लेकिन यह भी रिक्त है। तो आखिर में ये क्या चाहते हैं कि क्या कभी आयोग बनेगा ही नहीं? एक तो इतना साल हो चुका है और नया आयोग एकदम ठप है, ये आयोग बना ही क्यों? पुराना वाला ही होता, कम से कम उससे कुछ भर्तियां तो हो जाती, क्योंकि ये आयोग अगर देखा जाए तो एक ब्लैक पैच बन के रह गया है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो कोई भर्ती, ना तो वेबसाइट बन रहा है, ना तो पुरानी भर्तियां हो रही हैं, ना नई भर्ती निकल रही है, और एक बहाना बार बार मिलता है कि भाई हम क्या करें, हमारा तो आयोग ही नहीं बना है, तो फिर चुनाव के सारे काम इतने तेजी से कैसे हो रहे हैं। तो ये है, तो जितने भी बीएड डीएलएड इस वीडियो को देख रहे हैं, सोच समझ कर ही आप या अपने परिवार वाले उन्हीं को वोट दें जो रोजगार की बात करें। अदरवाइज आपको भी पता है कि आयोग का क्या हाल चल रहा है और आगे क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन था, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।